ये जो कैदी जिलो होल पड़ी की तिला करी समझ लेना नारा दे रही चुनाव के पहली किसान के कर्जा माफ हो ही धान के 2500 रुपया कुंटल मिली ये साल धान के कीमत 2640 अवैया साल 2800 किसान भाई मन नोट कर लेना वो खराने वाला साल 3000 और खर बाद वाले साल 3200 रुपया कतका के हैं 3200 रुपया इला कौन दे सका थे इला कौन दे सका थे केवल और केवल भूपेश बघेल किसान भर कौन सोचते छत्तीसगढ़ के बजट के एक तिहाई पैसा 1,75,000 करोड़ रुपया किसान के खाता में ये 4 साल में किसान के खाता में डालेंगे 1,75,000 करोड़ रुपया। ये दरी विधानसभा में मैं अपन मुख्यमंत्री जी लगे हूं कि 15 क्विंटल कम हुआ थे 20 क्विंटल हमारे किसान मन कहा थे कि नहीं कहा थे 20 क्विंटल मुख्यमंत्री जी की सब काम एक तरफ किसान के काम पहली एक तरफ विधानसभा में घोषणा करी कि ये साल से 20 क्विंटल धान हमारे किसान के खरीदे जाही और खरीदे के व्यवस्था बाकी विधानसभा के भाषण मैं अपन नहीं बोलना चाहा साझा विधानसभा में 55-60 जगह धान के खरीदी 55-60 जगह हमार कोई किसान ला 4 किलोमीटर रेंगे भर मत पड़े हमार कोई किसान ला रात जागे भर मत पड़े हमार कोई किसान ला चौकीदारी करे भर मत पड़े मुख्यमंत्री की जतका जरूरी हो ही उतका धान खरीदी केंद्र खोलना है। अब तो आप मोर्ति कृषि विभाग रही से अब मोला सहकारिता विभाग भी दे दे और कोनो मेर जरूरी हो ही धान खरीदी केंद्र खोले भर तो बता देना हमारे मुख्यमंत्री के मुस्कुराहट बतावा थे जतका जरूरी है तत्का खोल देवे समझ लेना किसान ल तकलीफ नहीं होना चाहिए। पिछले साल छत्तीसगढ़ में 107 लाख मैट्रिक टन 107 लाख मैट्रिक टन हमार पहली सरकार रही से 52 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी थक जाती रही से हमार मुख्यमंत्री पिछले साल 107 लाख मैट्रिक टन अब ये साल 20 क्विंटल के धान खरीदी हुई हिसाब लगा लेना 136 लाख मैट्रिक टन 136 लाख मैट्रिक टन धान के खरीदी हमार सरकार करी ये भाषण देते धान के खरीदी पर दिल्ली पैसा देते मैं तो 5 साल कृषि मंत्री रहे ना आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ के बेर दिल्ली के बैठक में गये वहां के मंत्री मन हमार से सोच मुंह बात नहीं करे हम धान खरीदी करे बर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बैंक से रिजर्व बैंक से 7% 8% ब्याज में कर्जा लेथन लगभग 32,000 करोड़ कर्जा ये साल धान के पैसा कतका जाई किसान के खाता में 37,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के बजट के एक तिहाई रुपया से भी ज्यादा पैसा किसान के खाता में जाने वाला है इला कौन कर सका थे केवल और केवल ये किसान के बेटा कर सका थे ये किसान के हित सोचने वाला कर सका थे तेखर से थी सब किसान समझ लेना अवैया साल फिर से आदरणीय भूपेश जी के सरकार बनाना है कांग्रेस के सरकार बनाना है छत्तीसगढ़ में किसान के सरकार बनाना है और ये समझ लेना ये जो हम कह देते ना वो लक्ष्मण की रेखा जो हमारे गांव के थे नहीं ये ब्रह्मा की रेखा होगी किसान भर जो बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते वो लग करके दिखाते तो आदरणीय साथी हो
कोनो एकाद दन गांव में खोखमा वाले हुई तेनोल समझाना का हे ओखर नेता मन कहते 20 कुंटल धान तो छत्तीसगढ़ में होवे नहीं करे। मैं सब सोसाइटी वाले बता दे एकाद जन खोखमा वाले मन कहो 20 कुंटल धान लाही ना बोला लौटा देना बता देना कि तू मन तो कहते 20 कुंटल धान होवे नहीं करे और नहीं तो भूपेश बघेल के हाथ ला मजबूत करना है। तो आप सब लगी बात समझना।